हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु स्टोरीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव स्किन व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग मास्क। ये मास्क आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा जिससे आपकी स्किन पर ग्लो आएगा। इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन टोन ब्राइट होगी, आपके डार्क स्पॉट रिड्यूस होंगे, अगर आपकी स्किन पे टैनिंग है तो वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए मसूर की दाल यानी रेड लेंटिल, चावल या अनकुक राइस एंड मिल्क। तो सबसे पहले ग्राइंडिंग जार में 2 चम्मच मसूर की दाल लेंगे, देन हम ऐड करेंगे 2 चम्मच अनकुक राइस, देन हम इन दोनों को अच्छे से फाइनली ग्राइंड कर लेंगे। मसूर की दाल एंड चावल दोनों ही कच्चे हैं तो आप इनको जितना भी फाइनली ग्राइंड कर लेंगे ये थोड़ा सा दरदरा रह जाएगा। और हमको बिल्कुल ऐसे ही पाउडर चाहिए। तो ये हो गया आपका राइस एंड दाल का पाउडर। आप मास्क बनाने के लिए इसमें से 1 से 1.5 चम्मच पाउडर किसी भी बाउल में ले लीजिए। जो बाकी का बचा हुआ मिक्सचर को आप एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और इसको आप और 3 से 4 बार आराम से यूज कर सकते हैं। फाइनली हम इस मिक्सचर में 1 से 2 चम्मच रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध ऐड करेंगे। आप चाहे तो दूध के बदले दही ऐड कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये हो गया आपका फेस पैक रेडी। इसे आपके फेस को अच्छे से क्लीन करके पूरे फेस पे अप्लाई करिए। चावल का आटा एंड दूध का कॉम्बिनेशन बेस्ट है स्किन के व्हाइटनिंग के लिए, क्योंकि चावल का आटा हमारे स्किन के मेलानिन प्रोडक्शन को रोकता है जिसके वजह से आपकी स्किन डार्क नहीं होती और इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन टोन और भी निखरने लगती है। और मसूर दाल एंड दूध का कॉम्बिनेशन बेस्ट है स्किन के लाइटनिंग के लिए, आपकी स्किन को सॉफ्ट सफल एंड ग्लोइंग बनाता है। ये आपकी स्किन से एक्ने को रिड्यूस करता है, अगर आपके लार्ज पोर है तो उसको भी रिड्यूस करता है। ये आपके स्किन पर ग्लो ऐड करता है, इससे आपके लाइंस रिंकल्स एंड डार्क स्पॉट रिड्यूस होते हैं। इस पैक के रेगुलर यूज से आपकी टैनिंग कम्प्लीटली रिमूव होते हैं, क्योंकि इसमें चावल एंड मसूर दाल ऐड हुआ है तो इसमें एक्सफोलिएटिंग की क्वालिटीज आपको मिल जाएगी। इसमें स्क्रबिंग की प्रॉपर्टीज है तो ये आपके स्किन के डेड सेल को रिमूव करेगा, टैनिंग रिमूव करेगा और आपकी स्किन को ब्राइट एंड ग्लो करेगा। इस पैक को आपके स्किन पे लगा के कम्प्लीटली ड्राई होने का वेट करिए। ड्राई होने के बाद 2 से 3 मिनट अच्छे से स्क्रब कर लीजिए और स्किन को वॉश कर लीजिए। ये रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करना है फेस पे एंड कुछ हफ्तों के बाद आपको रिजल्ट दिखने लगेगी। सो ये थी मेरी एक सिंपल सी होम रेमेडी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।